और मेरे युवा साथियों, कांग्रेस सरकार पहले जब यहां थी तभी कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार दो तिहाई बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश, देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने लगे, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता, पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने, नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं दे। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं और अगले चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।